हेलो एवरीवन डियर डी ऑफ क्लास टेंथ आई वेलकम ऑल टू अ लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स स्टूडेंट्स टुडे वी हैव इंग्लिश असेसमेंट वर्कशीट नंबर ट्वेल्व एंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अ पैसेज गिवन बिलो एंड यू फर्स्ट नीड टू रीड दिस पैसेज पहले आपको इसे पढ़ना है एंड देन आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो सो फर्स्ट हम इसको पढ़ते हैं और आई विल एक्सप्लेन इट टू यू क्लाइमेट चेंज इज shift shift. हेयर चेंज को dikha दिखा रहा है In the average weather conditions jo जो climate change hai है वो क्या है एक change हुआ है जिससे जो एवरेज वेदर कंडीशंस हैं वो चेंज हुई हैं द रैपिड क्लाइमेट चेंज रैपिड माने जो चीज़ बहुत जल्दी होती है क्विकली द रैपिड क्विकली क्लाइमेट चेंज वी आर नाउ seeing. इज़ कोज बाय ह्यूमन यूजिंग ऑयल गैस एंड कोयल फॉर देयर होम्स फैक्ट्रीज़ एंड ट्रांसपोर्ट जो ये रैपिड क्लाइमेट चेंज हुआ है जो हम देख रहे हैं ये हमारे द्वारा ही किया गया है और हम क्या क्या यूज़ करते हैं हम ऑयल यूज़ करते हैं गैस यूज़ करते हैं कोयल यूज़ करते हैं हमारे घरों के लिए फैक्ट्रीज़ के लिए और ट्रांसपोर्ट के साधनों के लिए वेंदीज फोसिल फ्यूल्स फोसिल फ्यूल्स होते हैं जीवाशम इंधन जो बहुत सालों तक धरती के अंदर जबे दबे रहते हैं देन वो फोसिल फ्यूल्स बनते हैं वेंदीज फोसिल फ्यूल्स बर्न जब ये फोसिल फ्यूल्स जलते हैं लाइक कोयल गैस एंड ऑयल देर रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज ये ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करते हैं मोस्टली अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड सीओ टू दीज गैसेज ट्रैप द सन्स हीट एंड कोज द प्लानट्स टेम्परेचर टू राइज ये जो गैसेज हैं ये सन्स के हीट के साथ ट्रैप होते हुए जो हमारे प्लैनट अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको ये राइज करने का कारण बनते हैं राइज माने बढ़ जा बढ़ जाना द वर्ल्ड इज नाओ वार्मर जो पूरा वर्ल्ड है अब बहुत गर्म है कब से दैन इट वॉज इन द नाइनटीन सेंचुरी अगर नाइनटीन सेंचुरी की बात करें तो आज जो हमारा वर्ल्ड है संसार है वो नाइनटीन सेंचुरी से ज़्यादा गर्म है एंड द अमाउंट ऑफ सीओ टू इन द एटमोस्फेयर हैज़ राइजन बाई फिफ्टी परसेंट और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो लगभग फिफ्टी परसेंट बढ़ गई है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और क्योंकि टेम्परेचर राइज़ हो रहा है तो इसके कारण हमें बहुत सारे जो नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं आर ऑलरेडी मोर इंटेंस वो और तीव्र हो गए हैं थ्रेटनिंग लाइफ्स और जिससे बहुत लोगों की जान भी जाती है एंड लाइवलीहुड्स लाइवलीहुड्स होता है जीविका जिसके सहारे हम जीते हैं और बहुत सारे लोगों के काम व्यवसाय भी जो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं ये छीन लेते हैं विद फर्दर वार्मिंग अगर इससे ज़्यादा और गर्मी बढ़ी सम रीजन्स कुड बिकम अन इनहेबिटेबल इनहेबिटेबल होता है रहने लायक एंड अन एंडहीबिटेबल एक प्लेस हो गया देयर वी कुड नॉट लिव जहाँ पर हम नहीं रह सकते हैं एज फार्मलैंड टर्न इन टू डेजर्ट फॉर एग्जाम्पल जो फार्मलैंड हैं जो हमारे कृषि की जगह है वो डेजर्ट मरुस्थल रेगिस्तान में बदल जाएगी इन अदर रीजन्स दॉजिट इज़ हैपनिंग और बहुत सारे दूसरे रीजन्स में इससे उल्टा हो रहा है विद एक्सट्रीम रेनफॉल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है कोजिंग हिस्टोरिक फ्लडिंग्स जिससे कि बहुत तीव्र तेज और भयानक बाढ़ का सामना में करना पड़ रहा है एज सीन रिसेंटली जैसे कि हाल ही में चाइना में जर्मनी में और द नीदरलैंड इन कंट्रीज में देखा गया है और ये न्यूज़ बीबीसी न्यूज़ की तरफ से है तो हमने इसको समझा है अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स वन बाय वन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग रैपिडली। क्लाइमेट चेंज है वो बहुत जल्दी से बदल रहा है तेजी से बदल रहा है बिकॉज क्योंकि हुमन बींग्स बर्न फोसिल फ्यूल्स टू रन फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स जो ह्यूमन बींग्स हैं मानव है वो फोसिल फ्यूल्स को जला रहा है ताकि उनकी फैक्ट्रीज और व्हीकल्स चल सकें वेन बर्नड और जब ये फोसिल फ्यूल्स जलते हैं दिज फोसिल फ्यूल रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेज लाइक सी गैसे ओ टू जैसा कि हमने पढ़ा है ग्रीन हाउसेज गैसेज ड्रैप द सन सीट एंड रेज द प्लैनटम्परेचर सो दे ऑल थ्री रीजन आर करेक्ट एन आंसर नंबर डी ऑल ऑफ द्वेश्चन नंबर बी सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड देर आर टू ऑप्शन और यहाँ पर हमें पहले हम इसे पढ़ते हैं द अमाउंट ऑफ सी ओ टू इन द एटमोसफियर एज राइजन बाई फिफ्टी परसेंट हमने पढ़ा है कि जो सी ओ टू की जो अमाउंट है मात्रा है वो पचास परसेंट से बढ़ चुकी है एज ए रिजल्ट इसके रिजल्ट से दर्ल्ड इज बिकमिंग कूलर सो ये सेकंड वाले स्टेटमेंट फॉल्स है इससे जो वर्ल्ड है वो कूलर नहीं वो होटर हो रहा है सो so, इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं फर्स्ट इज फॉल्स सेकंड इज ट्रू ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है ए ऑप्शन बी ऑप्शन वन फर्दर फर्दर माने आगे बढ़ाता है द मीनिंग ऑफ सेकेंड फर्स्ट मीन सेकेंड का मीनिंग को आगे बढ़ाता सो इट इज ऑल्सो रोंग सेकेंड इज फॉल्स फर्स्ट इज ट्रू ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट एंड दे आर नॉट हैपनिंग टूगेदर ये साथ साथ भी नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स आपको सिनम सेम मीनिंग बताना है नॉट पॉसिबल टू लिव इन जहाँ पर रहना असंभव है थ्रेटनिंग होता है डराना वॉर्मिंग गर्म होना फ्लडिंग बाढ़ और अन इनहैबिटेबल ऐसी जगह होती है जहाँ पर वी कॉन्ट लिव देयर सो so, यहाँ पर पैसेज कंप्लीट होता है देन हमारे पास दो क्वेश्चन हैं लेटर के ऊपर देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर इन आवर ट्रम वन सिलेबस कंप्लेन लेटर और लेटर टू एडिटर क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज बेस्ड ऑन कंप्लेन लेटर पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अशेंशियल मीन्स इंपॉर्टेंट डिटेल इन आ कम्पलेन लेटर कौन सी इन चारों ऑप्शन में से इम्पोर्टेंट डिटेल नहीं है जो हम कंप्लेन लेटर में नहीं डालेंगे प्रोडक्ट नंबर हम जरूर डालेंगे कैश मेमो नंबर हम जरूर डालेंगे डेट ऑफ परचेज हमने कब खरीदा वो भी हम डालेंगे बार कोड ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट और असेंशियल सो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस सीक्वेंस मीन्स पैटर्न इट मीन्स जैसे आप काउंटिंग लिखते हैं टू वन और थ्री सो वॉट इज द करेक्ट सीक्वेंस वन टू थ्री बिकॉज फर्स्ट फर्स्ट नंबर पहले सेकेंड नंबर दूसरे पर थर्ड नंबर तीसरे पर आता है तो ऐसे ही आपको जो लेटर टू एडिटर में जो बॉडी पार्ट है उसमें जो इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी है तो उसका पैटर्न कैसा होना चाहिए डिटेल्स ऑफ द मैटर फर्स्ट में लिखा है आप पहले डालेंगे ए ऑप्शन में कंक्लूजन होता है एंडिंग में हम जब कंक्लूड करते हैं अपने लेटर को विद वट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एडिटर द पर्पज ऑफ राइटिंग द लेटर होना क्या चाहिए द पर्पज़ ऑफ़ राइटिंग द लेटर फर्स्ट पार्ट पहले डालेंगे हम डिटेल्स ऑफ द मैटर डालेंगे कि क्या बात है कंक्लूजन और क्या हम कंक्लूजन चाहते हैं विद वट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एडिटर कि एडिटर ऐसा क्या करे जिससे हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट द सिक्वेंस और अ बॉडी ऑफ अ लेटर टू एडिटर इज ऑप्शन नंबर बी देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ यहां पर आपके ग्रामर ऑप्शन में है ओनली डैश स्टूडेंट्स कूड सोल्व द प्रॉब्लम इन द गिवन मिनट सो यहां पर क्या होता है देखिए यहां पर होता है जो ब्लैंक के बाद जो नाउन आ रहा है यहां पर स्टूडेंट्स आ रहा है उसके बिहाफ पर हम डेटरमिनर्स ये सारे डेटरमिनर्स हैं ए से डी तक उनका हम चैन करते हैं यूज करते हैं सो so, स्टूडेंट्स क्या है स्टूडेंट्स को आप गिन सकते हो जरूर गिन सकते हो इट मीन्स स्टूडेंट इज अ अकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन के साथ हम फ्यू को यूज कर सकते हैं मैनी को यूज कर सकते हैं लेकिन लिटल और मच को हम अनकाउंटेबल नाउंस के साथ यूज करते हैं जैसे मिल्क वाटर एयर ओनेस्टी दीज टाइप्स ऑफ नाउन सो ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो गया ये हम बिल्कुल नहीं यूज कर सकते बिकॉज स्टूडेंट्स इज अकाउंटेबल नाउन यहाँ पर ओनली यूज हुआ है केवल कुछ स्टूडेंट्स ही गिवन टाइम में उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके सो मैनी नहीं होगा ज़्यादातर उन्होंने नहीं की कुछ नहीं की यहां पर सेंस पता चल रही है ऑप्शन नंबर सी सोनो अब यहां पर दाफ्यू और फ्यू। दा फ्यू होता है थोड़े से लेकिन कंप्लीट और फ्यू होता है थोड़ा सा सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यू डैश लिव टाउन टिल द कल्प्रिट इज कोट कल्प्रिट माने होता है जिसको हम गुंडा थेप थीफ वगैरह बोलते हैं ठीक है मुजरिम आप बोल सकते हो हिंदी में सो so, यहाँ पर आप दो मॉडल्स का यूज कर सकते हैं यू नो नीड नाट लीव टाउन आपको टाउन छोड़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर नीड नोट बिल्कुल नहीं आएगा और यू मे नोट ये भी नहीं आएगा अगर आप एडवाइस दे रहे हैं तो आप यू शुड नाट लिव टाउन द कल्प्रिट इज कोट आप यूज करेंगे और अगर यहां पर कोई आपको अथॉरिटी ऑफिसर मान लीजिए कोई कोर्ट के जज या पुलिस ऑफिसर आपको बोल रहे हैं देन आप यूज करेंगे ऑप्शन नंबर सी बिकॉज यहां पर यह लीगल मामला है कल्प्रिट जब तक पकड़ा नहीं जाता आप टाउन को नहीं छोड़ सकते हैं सो ऑप्शन नंबर सी इज मोर करेक्ट देन शुड नॉट क्वेश्चन नंबर सिक्स इज इट इज बेस्ड ऑन रिपोर्टेड स्पीच जहाँ पे आप डायरेक्ट टू इन चेंज करते हैं देर आर फ्यू रूल्स टू चेंज डायरेक्ट टू इन फर्स्ट यहाँ पर हम मैं रूल बाय रूल बताता हूँ सेड के अगर आगे कुछ नहीं तो हम सेड को सेड रखते हैं इन्वर्टेड कोमास की जगह हम डेट का यूज़ करते हैं और हम यहाँ पर मीट की सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है मेट जो कि पास्ट इनडेफिनेट टें पास्ट इंडेफिनेट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं एंड लास्ट वीक को हम प्रीवियस वीक या द प्रीवियस वीक में यूज करते हैं चेंज करते हैं सो यहां पर ही सेड वाले दो ऑप्शन हमारे पास डेट वाले दो ऑप्शन हैं लेकिन जहां पर ये सेड वाले दो ऑप्शन हैं इसमें एक मेट यूज हेडमेट यूज हुआ तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट और लास्ट में इसमें प्रीवियस वीक भी लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर सेवन फ्रॉम यूर चैप्टर नंबर सिक्स द हंड्रेड ड्रेसिस पार्ट सेकेंड रिटर्न बाय इलास और एल बोर ईस्टर दोनों ही नेम सेम हैं दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं एंड इट इज टेकन फ्राम यूर फर्स्ट फ्लाइट टेक्सट बुक सो पढ़ते हैं एंड देन हम इसके ऊपर दो क्वेश्चन करते हैं शी हेड टू फाइंड वांडा पेट्रोन की मे बी शी हैड नोट यट मूड अवे मे बी पेजी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर एंड टेल वांडा शी हैड वोन द कॉन्टेस्ट डेट दे थोट शी वोज स्मार्ट एंड द हंड्रेड ड्रेसेज वर ब्यूटिफुल शी यहाँ पर है मार्जी मार्जी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोन्सकी कहते हैं मार्जी को वांडा पेट्रोन को ढूंढना था मे बी शी हैड नाट मूवड अवे शायद वो जहाँ पर बोगिन हाइट्स में रहती थी वहाँ से नहीं गई थी मे बी पे जी उसके साथ जाएगी बोगिन हाइट्स पर क्लाइंब करके चढ़ कर एंड दे वु टेल और वो वांडा को बताएँगे कि शी वांडा यू हैड ओन द कॉन्टेस्ट तुम कॉन्टेस्ट को जीत चुके डेट दे थोट और वो बताएँगे कि हम तुम्हारे बारे में सोचते हैं कि तुम स्मार्ट भी हो और जो तुमने हंड्रेड ड्रेसेस की जो पिक्चर्स बनाई थी दे ऑल आर ब्यूटीफुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाई डिड मैडी वॉन्ट टू फाइंड पेट्रोन्स की टू हर्ट हर फीलिंग्स उसकी इमोशंस को फीलिंग्स को चोट पहुंचाने के लिए टू टीज अर अबाउट द हंड्रेड ड्रेसेज उसको हंड्रेड ड्रेसेज के लिए चिढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट हर फॉर विनिंग द कॉन्टेस्ट ताकि वो उसको बधाई दे सके क्वेश्चन नंबर बी सेलेक्ट द वर्ड एट बेस्ट डिस्क्राइब वांडा पेट्रॉन्सकी ही इज क्वाइट नेचर वो चुपचाप रहती थी ही इज नॉट राउडी वो राउडी मींस गुंडे वगैरह लोगों के लिए ये वर्ड ज़्यादा यूज किया जाता है असर्टिव होता है वो व्यक्ति जो कॉन्फिडेंट वगैरह रहता है बट वांडा पेट्रोन्स की इज नॉट कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग हर स्कूल टाइम ऑप्शन नंबर फोर्थ यस शी वाज स्मार्ट ऑप्शन नंबर फिफ्थ यस शी वाज आर्टिस्टिक एज शी हैड मेड हंड्रेड ड्रेसेस एंड शी वाज नॉट मिस्चीवियस मिस्चीवियस होता है, शरारती बच्चों के लिए यूज किया जाता है शरारती बच्चे यहाँ पर पैजी के लिए हम मिस्चीवियस जरूर बोल सकते पैजी वाज अ मिस्चीवियस कर सो ऑप्शन नंबर 1 4th एंड 5th आर इन ऑप्शन नंबर डी डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके लेटर टू गो रिटन बाय जीएल फ्यूनटीज लेंचोज फील्ड व डेस्ट्रोय बाय गेल तूफान हेल स्टोम के ओले के जो गोले होते हैं टोरेंडो हरिकेन ये साइक्लोन चक्रवात से उससे आते हैं ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन्थ एंड क्वेश्चन नंबर टेंथ आर टेकन फ्रॉम योर पोएम नंबर फोर्थ द बोल पोएम रिटर्न बाय जॉन बैरिंग मैन एज इटैंड रिज्ड ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन सो यहाँ पर ही सिचुएशन है कि जो बोय है उसकी जो बोल है वो हार्बर पानी में गिर गई है और वहाँ पर वो बड़ा ही रिज्ड मतलब बिल्कुल एक जगह खड़ा है ट्रैम्बलिंग काँप रहा है स्टेयरिंग डाउन और उस बॉल की तरफ घूर गु, रहा है सो वट वॉज हिज इमोशन्स उसका क्या इमोशन था आई वंडर हाउ आई कैन रिट्राइव द बोल वो ऐसा सोचता था कि कैसे मैं इस बोल को रिट्राइव माने वापस लेकर आऊँ आई गैस आई विल नीड हेल्प शायद मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी किसी की हेल्प की गोड रीडेंस रीडेंस का मतलब होता है जो किसी छुटकारा मिल जाए तो बहुत आपको रिलीफ महसूस होए। अच्छा हुआ बोल से छुटकारा मिला नाउ आई कैन गेट अ न्यू वन अब मुझे एक नई बोल मिलेगी आई हैव बिन वेटिंग फॉर अ वाइल और मैं नई बोल के लिए बहुत समय से वेट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर ओ ऑप्शन नंबर थर्ड इज आई थिंक आई कैन कैच इट शायद मैं इसे पकड़ सकता हूँ इफ आई रन थ्रू हिज एले आई मस्ट कट इट ऑफ अगर मैं इसके रास्ते में आ जाता और मैं वहाँ पर इसको देख लेता बिफोर इट फॉल्स इन टू द हार्बर इसको हार्बर में गिरने से पहले सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों ही नहीं है ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट ओ आई हैव लॉस्ट इट मैंने इसको गुम कर दिया है इट्स गोन अब ये जा चुकी है इट्स गोन फॉर एवर और हम मैंने हमेशा के लिए इसको खो दिया है डेट वॉज ऑल द टाइम आई हैड विद इट और यही समय था कि मेरे पास ये बॉल थी या मैं इसके साथ खेला था दिस टाइम इज ओवर यह समय ओवर हो गया सो so, यहाँ पर यह लॉस को बियर करना लॉस को सहन करना भी सीख रहा है और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के नेचर की तरफ भी जा रहा है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर टेंथ एंड द लास्ट इज अकॉर्डिंग टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू जॉन बैरीमैन व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग इन द बोल पोएम सो यहां पर थीम पूछी गई है एग्जैक्ट कि किस थीम के ऊपर जॉन बैरीमैन ने बच्चे के ऊपर ये द बोल पोएम लिखी की और बच्चा क्या सीख रहा है टू बियर लॉस एज इट इज मैंने बताया टू टेक केयर ऑफ थिंग्स सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर करेक्ट वो इ होने के लिए कुछ नहीं सीख रहा है ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट बोथ एंड बी सो यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू एंड यू वॉन्ट टू मेक मी मोर वीडियोज ऑन असेसमेंट वर्कशीट दैन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब आवर चैनल हिट द नोटिफिकेशन बेल शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड स्पोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड जय हिंद जय भारत मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में